देश के प्राचीनतम शहरों में से एक रीवा, यहाँ पर शिक्षा जगत के कई आयाम हैं, बावजूद यहाँ के स्टूडेंट्स अपनी समस्याओं को लेकर परेशान हैं। उनको यहाँ पर उपयुक्त रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं, ना ही पठन पाठन की सही कॉलेजों में व्यवस्था है, जिसके चलते वो महानगरों की ओर रुख करते हैं और वहीं पर अपना ठिकाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर विवेकानंद पार्क में हम खड़े हैं। यहाँ पर हमारे साथ कई सारे यूथ हैं जो अपनी अपनी अलग अलग समस्याओं को लेकर यहाँ पर एकजुट हुए हैं। आइए जानते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स की क्या समस्या है, आखिर उनको पठन पाठन में क्या दिक्कतें आती हैं। नाम बताइए अपना, किस कॉलेज में पढ़ते हैं, क्या समस्याएं हैं आपके कॉलेज में? मेरा नाम रजनीश विश्वकर्मा है और मैं MLFT कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरा BCA का सेकंड ईयर है और पढ़ाई लिखाई को लेकर जो भी समस्याएं, जैसे कि हमारा जो सिलेबस है और उस तरह से हमको रोजगार के लिए, या फिर हमको यदि MCA करना हो उसके लिए हमको बड़ी बड़ी सिटियों में जाना पड़ेगा। MCA जैसे कॉलेजों के लिए यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। अपना नाम बताइए, क्या नाम है, किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं? सर राहुल तिवारी नाम है मेरा, BSc मैथ सेकंड ईयर TRS कॉलेज से पढ़ रहा हूँ। तो सर वर्तमान में देखा गया है कि कॉलेजों में फीस बहुत ज्यादा है। यस सर फीस ज्यादा, स्टूडेंट्स को काफी दिक्कत आती है। यस सर क्या समस्याएं हैं आपकी सर को लेकर? सबसे बड़ी फीस तो सर हमारा जो मेधावी वाला आया था सर सरकार की तरफ से, तो सर उसमें फीस जो था तो हम लोग की माफ थी, परीक्षा फीस फिर भी लग रही है, जबकि सर हम लोग वहाँ गए थे तो बोला गया था कि आपकी फीस नहीं लगेगी, लेकिन यहाँ पे 5,000 रुपये पर ईयर लेते हैं, परीक्षा फीस कॉलेजों में ले रही है। दूसरी चीज़ सर, कॉलेजों में जाते तो हैं हम लोग, लेकिन सर क्लास बहुत कम लगती है सर, स्पेशली मैथ की क्लास हम लोग की नहीं लगी थी, बहुत कम लगी थी। और इस बार तो आचार संहिता की वजह से कॉलेज बहुत सारी हम लोग की एक महीने तक, लगभग परीक्षा के एक महीने तक कॉलेज बंद ही थी, कॉलेज में क्लास नहीं लगी सर। हम लोग का सिलेबस बहुत आधा अधूरा था, हम लोग को अपने आप से नेट से पढ़ाई करनी पड़ी थी, यूट्यूब से वीडियो देख देख के मैथ की, स्पेशली मैथ में हम लोगों ने पढ़ाई की थी। जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर आचार संहिता लगी उससे कहीं ना कहीं पढ़ाई प्रभावित हुई, और यहाँ पर जो देखा जा रहा है फैकल्टी की भी कमी है, क्या मानते हैं क्यों इस तरह का दोहरी नीति सरकार अपना रही है? देखिए फैकल्टी की तो बहुत कमी है, जितने भी टीचर हैं, अगर चुनाव होने लगा तो सब उसमें चुनाव भी हो जाते हैं। मैंने इस वर्ष तो हमारी पढ़ाई बिल्कुल भी ठप रही है और आने वाले समय में भी बिल्कुल ठप रहने की आशंका है, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और आचार संहिता मार्च से लगने वाली है, तो फैकल्टी तो बहुत कमी है। मैंने टीचरों का भर्ती नहीं होती है, अगर होती भी है तो निरस्त हो जाती है कहीं ना कहीं कमी चलते। और सबसे बड़ी स्टूडेंट की समस्या है कोचिंग की, कोचिंग तो बहुत सारी है यहाँ पर लेकिन क्वालिटी कोई नहीं देता है, कोचिंग जितनी भी रहे हैं सब पैसा खाने के लिए हैं। अगर हाँ मतलब अगर कोचिंग आप जाते हो वहाँ तो एक महीना अच्छी पढ़ाई होगी, जब तक तो वो पैसा आपसे नहीं ले लेते हैं, लेकिन जहाँ एक महीने आपने पैसा उनको जमा किया तो पूरी फैकल्टी चली जाएगी बाहर और यहाँ के जो यहाँ के टीचर हैं वो पढ़ाने लगेंगे। और कई सारे और UGC से मान्यता प्राप्त यहाँ पर कई सारे कॉलेज हैं और वहाँ पर जो अध्यापक हैं, प्राध्यापक हैं, उनको भारी भरकम सैलरी भी मिलती है, बावजूद इसके कोचिंग में जाने के लिए आप लोग क्यों मजबूर होते हैं? जी सर यहाँ पूर्ण तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाती है सर। क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? निश्चित तौर पर यहाँ पर कोचिंगों में देखा जा रहा है कि भारी भरकम फीस ली जा रही है, लेकिन जो छात्रों को पाठ्यक्रम होना चाहिए उसके विपरीत पढ़ाई होती है और सिर्फ फीस लेने के बाद वो भूल जाते हैं छात्रों को। देखिए जो आजकल दैनिक जीवन में जो शासकीय विद्यालयों या फिर शासकीय कॉलेजों में जो टीचर्स होते हैं, अच्छे भी होते हैं शासकीय टीचर्स, पर उनको इतना कार्यभार दे दिया जाता है उनको, वो मतलब कि सरकारी काम काजों से ही फुर्सत नहीं पाते पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो होते और ठीक है टीचर पर पढ़ाने के लिए मतलब उनके पास समय के अभाव के कारण ये भी मानते हैं। दूसरा मुद्दा है कि चुनाव के चलते कई टीचर्स या फिर कई कॉलेज के प्रोफेसर की ड्यूटी लग जाती है, पढ़ा नहीं पाते, इसलिए सिलेबस पीछे हो गया, कोर्स नहीं पूरा कंप्लीट हुआ, इसलिए बच्चे नहीं कर पाते। सच बड़ा कारण ये भी है चुनाव के कारण, एक जो सरकारी काम काजों के लिए समय नहीं रहता, टीचरों के पास लग जाते हैं या फिर कम काम करते रहते हैं, कार्यरत रहते हैं कल विद्यालयों में, बच्चों को समय नहीं दे पाते, इस कारण ये भी बहुत बड़ा कारण है आज सामने। सरकारों को इसमें कदम उठाना चाहिए। मॉडल साइंस में सर। क्या नाम? राजकरण शर्मा। क्या समस्याएं आ रही हैं मॉडल साइंस कॉलेज में आप? सर इस समय क्या है कि क्लास नहीं लग रही, अभी सेमेस्टर वाला एग्जाम चल रहा था तो हमारा एक डेढ़ महीना लगभग वो था, दो तीन दिन से हम लोग कॉलेज अभी जा रहे हैं तो
एक केवल एक पीरियड लग रहा है, और कॉलेज तो मतलब आज एक भी पीरियड नहीं लगा था। आज हम लोग गए थे और आकर यहीं पर अब बैठे थे, हम लोग कुछ पढ़ लिख रहे थे। तो ये जो कल इस वर्ष का चुनाव जो था बीच में, ये बहुत बड़ी समस्या थी हम लोगों के लिए। हमारा लोग सिलेबस भी बहुत पीछे है, और जो एक हमारे यहाँ एक कह सकते हैं जो पढ़ाने का तो है ठीक, लेकिन जो क्लास लग रही है वो बहुत कम लग रही है सर। हम लोग का एग्ज़ाम भी आ गया और फिर लोकसभा चुनाव भी आ गया, तो हम लोग की जो क्लासें स्थगित रहती हैं। बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर चुनाव प्रभावित कर रहा है, लेकिन यहाँ पर दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि जो प्राध्यापक हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उनकी ड्यूटी चुनाव में बहुत कम लगती है, और निर्वाचन आयोग उनको ड्यूटी से मुक्त रखता है। बावजूद इसके कॉलेजों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। छात्रों का मानना है कि इलेक्शन के चलते उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। क्या लगता है कि कॉलेजों में जो समस्याएं हैं फीस को लेकर, और स्टूडेंट की क्या समस्याएं हैं? हमारे कॉलेजों में अपन बोल सकते हैं कि जो बाबू वगैरह हैं, उन जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं बाबुओं के कारण, कुछ मैं ये नहीं बोलूँगी भैया लोग भी उठपटांग करते हैं, मैं अक्सर देखी हूँ कि भैया लोग भी कॉलेजेस में गन वगैरह लेके आते हैं। तो ये सब भैया लोग हैं, बड़े हैं, वो यहाँ पढ़ने आते हैं, उनके माता पिता उनको पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो भैया लोगों को गन वगैरह लेके नहीं आना चाहिए, आप यहाँ पढ़ने आते हो, गुंडागर्दी करने नहीं आते हो। तो आपकी भी बहन है, बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि टीचर्स भी अच्छे से रहें, टीचर्स भी बच्चों के साथ अच्छा सलूक करें। कुछ टीचर्स भी ऐसे होते हैं कि जो बच्चे ठीक हैं उनके साथ अलग सलूक रहता है, और जो बच्चे थोड़ी लूज़ हैं उनको नहीं, चलो इनको छोड़ो, जो ठीक है उनको पढ़ाओ, ये सब नहीं करना चाहिए। और स्पेशली मैं भैया लोगों को बस केवल यही संदेश देना चाहती हूँ इसके माध्यम से कि आप कॉलेजेस में पढ़ने आते हो, ना कि गुंडागर्दी करने आते हो। आपके कॉलेज में हमेशा मारपीट होती रहती है? मैं अपने कॉलेज में तो नहीं बोलूँगी, मैं साक्षात प्रमाण TRS कॉलेज आए दिन मारपीट होती है, और मैं उन्हीं के भैया और बहनों से केवल इतना रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई आप लोग पढ़ने आते हो, यहाँ मारपीट करने नहीं आते हो, पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। आपके माता, आपके मम्मी पापा कैसे रहते हैं, शायद आप लड़के, आज के लड़के आप अमेजिंग करना, 1500 का फ़ोन, आईफोन, ये फ़ोन, वो फ़ोन, केवल स्पेशली के सामने वाला पर्सन इंग्लिश बोल रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है अपन समझ नहीं पाते हैं कि इंग्लिश में हम बोल क्या रहे हैं। हम बच्चे गांव क्या हैं, हमका बच्चे इनका बस इतना बोला आपके गांव के भाषा यूज करें चाहिए, इतना हाई फाई ना बनी के सामने वाला समझ ना पा पाए। आप रिया पांडे, सुना है आप सिंगर हैं? हाँ, सिंगर हूँ। स्टूडेंट को ऐसा कुछ आप गाकर संदेश दीजिए कि वो अपने सही रास्ते पर आए। अभी तो वैसे एक सॉन्ग मेरे दिमाग पे चल रहा है, बाकी अभी वैसे सॉन्ग नहीं है, मैं वो सुना सकती हूँ। क्या उस गली से कभी तेरा जाना हुआ, हाँ जिस गली से जमाने को गुजरे जमाना हुआ, खामोशियाँ आवाज है तुम सुनने तो आओ जरा, बेकरार है तुमसे मिलने को। थैंक यू। रिया ने एक बेहतरीन गाना गाया, कम से कम आप लोग क्लिपिंग करें। क्या लगता है कि स्टूडेंट की जो समस्याएं हैं, आप लोग को कॉलेज में क्या समस्याएं आती हैं? जी सर, अभी मतलब अभी वो लोकसभा आयोग का वो चुनाव चल रहा था, जिसके कारण हम लोग की पढ़ाई नहीं हो पाई, और सिलेबस भी बहुत कम हुआ है, और चुनावी ये जो चुनाव है उसके लिए थोड़ा समय, सरकारी टीचरों के लिए समय ज़्यादा लग जाता है, यही है सर। बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर यूथों की अलग अलग समस्याएं हैं, कॉलेज में किसी के साथ वहाँ पर फीस की समस्या है, तो किसी कॉलेज में प्रोफेसर क्लास नहीं ले पा रहे हैं और उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है, कोचिंग करने जाते हैं लेकिन वहाँ पर भी भारी भरकम फीस देनी पड़ती है, और फीस चुकाने के बाद कोचिंग सेंटर में भी पढ़ाई नहीं होती। रीवा दर्शन के लिए विजय विश्वकर्मा।